नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस विषय में वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 50% पेरेंट्स न्यूबॉर्न के पैदा होने से लेके अगले कई महीनों तक, 5-6 महीने तक इस कंप्लेंट के साथ आते रहते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये प्रॉब्लम है नॉइजी ब्रीदिंग की। बहुत से बच्चों की ब्रीदिंग जो होती है नॉइजी होती है और वो आवाज रात को ज्यादा सुनती है। रात को इसलिए ज्यादा सुनती है कि एक तो एम्बिएंट साउंड कम हो जाती है, दूसरा रात को बच्चा जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है, तीसरा डस्क और डॉन का जो टाइम होता है उस टाइम थोड़ा एडिक्रंट्स में चेंजेस आती हैं एनवायरमेंट में, तो उसकी वजह से बच्चे को थोड़ा दिक्कत आती है अपना नेजल फ्लो मैनेज करने की। तो शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा जो है डस्क और डॉन के टाइम में ज्यादा दिक्कत रहेगी, ज्यादा नॉइजी ब्रीदिंग रहेगी। सो ये सारे क्वेरीज जो होते हैं फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कई सेकेंड टाइम पेरेंट्स के भी ऐसे क्वेरीज रहते हैं। तो नॉइजी ब्रीदिंग अगर है और बच्चा दूध ठीक से पी पा रहा है, फीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बच्चे को कोई खांसी नहीं है, कोई खास तरह की और आवाज नहीं हो रही है और बच्चा नीला नहीं पड़ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सलाह ले सकते हैं अपने डॉक्टर से, जो भी आपके पीडियाट्रिशियन हो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे इन चीजों के बारे में, क्योंकि जो गाइडेंस ऑब्जर्वेशन के बाद होती है वो वैसे नहीं की जा सकती। तो मेरा मकसद ये है कि आपको पता हो ये चीज नॉर्मल होती है। अगर आपको डॉक्टर बता रहे हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए कि नॉर्मल चीज है, और अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे। विजिलेंट रहना भी अच्छा है। और नॉइजी ब्रीदिंग के लिए कुछ नहीं करना होता है, एज बढ़ने के साथ साथ नेजल जो ट्रैक है उसका साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि छोटा होता है हवा फ्लो से जाती है तो आवाज करती है, जैसे जैसे साइज बड़ा हो जाता है तो वो आवाज कम हो जाती है।